Okay, so let us start with this question number 22. Following is the information provided by Messrs. P and Company Private Limited. Prepare a statement showing working capital requirements for the year 2016-17. Fine. So estimated sales diya hai. ठीक है, कितना रुपीज में है? 21,60,000. ओके, एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर है, सब फ्यूचर टेंस है. देखो, एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट, या कॉस्ट स्ट्रक्चर रेशियो टू सेलिंग प्राइस, व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, इन द लास्ट सम. ठीक है, बट वहाँ बोला नहीं था कॉस्ट स्ट्रक्चर इज विद सेलिंग प्राइस, बट आई टोल्ड यू ऑब्वियसली इट विल बी ऑन द सेलिंग प्राइस ओनली. ठीक है, then raw material, what is next will come, yeah, so raw material is how much, 60%, labor is 20%, overheads is how much, 10%, selling price is how much, 20 rupees per unit. Okay, now students, remember one thing over here which is very very important is this. With this information I will get my units produced, या यूनिट सोल्ड जिसको आप बोलते हो. ठीक है, प्रोडक्शन मिलेगा मुझे, कैसे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड. हाउ विल आई गेट दिस, दिस 21,60,000 डिवाइडेड बाय दिस 20 रुपीज. ओके, सो सॉल्व दिस, 21,60,000 डिवाइडेड बाय 20 रुपीज, कितना आया, 1,08,000. तो ये है मेरा क्वांटिटी, दिस इज माय प्रोडक्शन, हाउ मच, 1,08,000. सो प्लीज राइट हियर, 1,08,000. एम आई क्लियर अबाउट दिस, समझ में आया, एक्नॉलेज इट इन द चैट बॉक्स. ओके, एक्नॉलेज इट इन द चैट बॉक्स, अंडरस्टूड. दे हैव नॉट गिवन यू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन कितना हुआ है वो नहीं बताया, और हमें तो चाहिए ना प्रोडक्शन, बिकॉज व्हेन वी कैलकुलेट, व्हेन वी डू द कैलकुलेशंस, वी टेक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद रेट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स. सो फॉर दैट आई नीड दिस, ये तो मुझे चाहिए ही था, दिस वाज मस्ट. नेक्स्ट, रॉ मटेरियल 2 मंथ्स, ठीक है, मटीरियल रिमेन इन प्रोसेस मतलब WIP 1 मंथ, फिनिश गुड्स 1 मंथ. ठीक है, सो दिस इज माई करंट एसेट. ओके, नेक्स्ट, कस्टमर 2 मंथ्स, करंट एसेट. ओके, कस्टमर मतलब डेटर, 2 मंथ्स क्रेडिट. ओके, नेक्स्ट, सप्लायर 1 मंथ क्रेडिट. टाइम लैग मीन्स आउटस्टैंडिंग, कितना, वेजेस एंड ओवरहेड्स, दोनों का मंथ अलग अलग है, 1 मंथ एंड हाफ मंथ. ओके, नाउ दिस इज समथिंग न्यू इन द क्वेश्चन. ओके, ये कुछ नया है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ ट्विस्ट इन द क्वेश्चन. पहला ट्विस्ट ये था, ये वाला, This one lag 8,000. Okay, then next twist is this time lag in payment of overheads is half month. Next, cash bank balance 25% of debtors. Okay, so this is also my current assets. And rest others are my current liability. Next, provide margin of safety at 10%. Okay, debtors to be calculated at selling price. Even if this information is not there, I told you in absence of information, it is always selling price. कॉस्ट प्राइस अज्यूम मत करना, कॉस्ट प्राइस अगर क्वेश्चन में दिया है देन ओनली यू फॉलो इट, कि डेटर शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, द सम विच वी डिड यस्टरडे. ओके, इन द एक्स्ट्रा लेक्चर, दैट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेबर एंड ओवरहेड्स एक्रू इवनली, तो दिस इज दैट WIP का रेशियो वी टेक ना, 150-50, तो दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर दैट पर्पज. ओके, एम आई क्लियर अबाउट दिस, जस्ट एक्नॉलेज इट इन द चैट बॉक्स.
इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरी वन? एक्नॉलेज इट इन द चैट बॉक्स. ओके फाइन, थैंक यू. चलो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद करंट एसेट्स. या करंट एसेट्स करंट एसेट्स में फर्स्ट स्टॉक और इन्वेंट्री. स्टॉक में फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, देन डब्ल्यू आई पी में राइट दैट ब्रेकअप, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, 100, 50, 50. Next, finished goods. Okay. So finished goods at total cost or cost price or cost of production. Next, debtors. By default, it is always at selling price, and that too only credit sales. Next, this should be two. First is stock. Stock mein there are 1, 2, 3 ABC. This is second debtors. Third is cash. Cash ka calculation toh bola hai. It is 25% of debtors. So jo bhi debtors ka answer aayega uska 25%. That's it. Yeah. Total this. Next, this will give me total current asset. Then I want current liability. Okay. So in the current liability, I have first creditors. Creditors. So by default, it is obviously credit purchase. नहीं दिया है percentage of credit. Always assume it to be 100. Then outstanding wages and third outstanding overheads. Next, this will give me what you call total current liability. Then I will get working capital, which is total current assets minus total current liability. And then we will see what to do with margin of safety. Okay. Fine. Until here, it is clear to everyone. Acknowledge it in the chat box. यहाँ तक समझ में आया? Okay. Yeah, thanks students. Yeah, thank you. Chalo, start. Raw material. Okay, we'll have to do the working mode also. Breakup diya nahi hai na percentage mein.
कैलकुलेट करना पड़ेगा. वर्किंग नोट नंबर वन और जस्ट राइट वर्किंग का. स्टार्ट विद फर्स्ट रॉ मटेरियल, देन लेबर एंड देन ओवरहेड्स. कितना है 20 रुपीज का? 60%, 20%, 10%. सो 20 रुपीज is the per unit. So 60%. Next 20% and 10%. Okay, so calculate. 2 6 are 12. So 20 ka 60% kitna hota hai? 12 rupees. Two twos are 4, so 20 ka 4 rupees. Yeah, this is 2 rupees. Total karo. This is my total cost or cost price or cost of production. Ek hi baat hai. 12 plus 4 is 16. 16 plus 2 is 18. So 18 rupees add profit and I will get my selling price. Selling price kitna hai mera? 20 rupees. So difference is of 2 rupees. Obviously that's my profit. Okay. Clear to you? Now let us move on to the calculations of current assets and current liability. Okay, start. First raw material quantity kitna hai? Abhi humko mila tha 1,08,000. Multiplied with kitna hai rate? 14 rupees. No, sorry, 12 rupees. I'm so sorry. 12. Into, see the time period. Time period is raw material 2 months. So 2 divided by 12. Next 1,08,000 into the rates 12. 4 and 2 into WIP का credit period is, I mean processing time period is 1 month. So 1 divided by 12 into 100%, 50%, 50%. Solve it. 1,08,000 into 12 into 1 divided by 12 into 100% करो नहीं करो आंसर सेम ही रहने वाला है. 1,08,000. Next 1,08,000 into 4 into 1 divided by 12 into 50%. 18,000. Next 1,08,000 into 2 into 1 divided by 12 into 50%. 9,000. Okay, take it in the outer column. Nine plus 18 plus 1,08,000 is how much? 1,35,000. Right here, 1,35,000. Okay, calculate for raw material also. 1,08,000 into 12 into 2 divided by 12. 2,16,000. So right here, 2,16,000.
okay, so this completes my raw material and what we call WIP. Okay, do it till here. Okay, so next that we are going to calculate is debtors. Finished goods and total billing. Okay, total amount of billing hai, total cost I mean is how much? 18 rupees. So let us calculate that now. Yeah. So 1,08,000 into my cost price, which is 18 rupees, into check. What is the time period for FG? 1 month. So into 1/12. Calculate 1,08,000 into 18 divided by 12. 1,62,000. So right here, 1,62,000. Very good, Jyoti. Come to debtors. 1,08,000 into your selling price. Selling price is 20 and multiplied with the time period. The time period for debtors is 2 months. So into 2 divided by 12. Solve. 1,08,000 into 20 rupees into 2 divided by 12. 3,60,000. Next, cash. कितना बोला है? 25% of debtors. So 25% of 3,60,000. ठीक है? तो 3,60,000 का 25%. का 25%. 90,000. So right here, 90,000. Debtors का credit परसेंटेज कुछ नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग इट टू बी 100. ओके, टोटल द करंट एसेट्स सो 90 प्लस 3,60,000 प्लस 1,62,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2,60,000, सो इट इज 9,63,000. So write it here, 9,63,000. Okay, wow. Krishna, Jyoti, both are doing the right calculations. Very good. Next, come to creditors. 1,08,000 into. किससे मल्टीप्लाई करोगे? रॉ मटेरियल से, मतलब क्रेडिटर्स से आप क्या लेते हो? रॉ मटेरियल. सो विद द raw material price, that is how much? 12 rupees into the credit period, the payment period of the creditors is how much? 1 month. 1 divided by 12. Okay, solve it. 1,08,000 into 12 divided by 12. So 1,08,000. Next, outstanding wages. So 1,08,000 into wages ka what was the rate? 4 rupees into next 1,08,000 into what was the rate? 2 rupees into. Okay, so wages is how much? 1 month. 1 month. So 1 month. And this is half. Okay. So 1 divided by 12. Okay. And now students understand about overheads. So this doubt was asked. Now see. This I'm talking about overheads. Overheads ka kya bola hai? Half month. Outstanding is how much? Half month. Iska meaning kya hota hai? Iska meaning ye hota hai ki agar aapke overheads 50,000 hai,
हाउ मच 50,000 मंथली आई एम सेइंग ना, मंथली अगर आपका ओवरेज 50,000 है, सो से जैसे ये सितंबर का मंथ का है 50, सो उसका हाफ कर दो 25, 25, तो इसका ये मतलब होता है कि इसका हाफ आपने करंट मंथ दैट इज सितंबर में पे कर दिया और बाकी का जो हाफ है वो अनपेड है. ओके, तो जब आप अक्टूबर में आओगे वापस से वही होगा, 50 हाफ हाफ कर दो 25, मतलब हर महीने आपका यही हिसाब चलता है कि आप आधा पे कर देते हो और बाकी के आधे को आप अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग देते हो. ठीक है, तो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हाफ नाउ हाफ देन विच इज सिमिलर टू दिस, सो दिस इज बजटरी कंट्रोल. दिस हैपेंस व्हेन यू आर डूइंग बजटरी कंट्रोल. ओके, वो भी विच वन, कैश बजट्स. When you're maintaining cash budget, that time this consideration is taken. Not when you are calculating working capital. When I'm calculating working capital, I will only take into consideration the amount which is outstanding. I will not consider the part which I have paid in the current. Okay? So this was a doubt which was asked to me. कि half month होता है ma'am, मतलब half अभी भरा, half next month भरा. Absolutely correct. Okay, half अभी pay कर दिया और half आप हमेशा credit रखते हो next month के लिए. Okay, ये wages के साथ भी होता है. Okay, wages के साथ भी you can have the same concept. कि अगर आपका say suppose एक employee है, employee A का wages is say 30,000, तो तुम्हारा company का policy है कि 30,000 का half तुम current month में उसको salary देते हो और आधा salary तुम उसको next month में देते हो. Okay, this happens, you know, when you have low paid laborers. वो लोग ऐसा करते हैं, लोग एक साथ पैसा नहीं लेते, वो बोलते हैं आप हमको आधा अभी दे दो, आप हमारा आधा पैसा हमें next month में दे दो. Okay, so that they can have their cash balance. Is this clear? Okay, so please don't mix that concept here in working capital management. Okay, am I clear? H1, just acknowledge it in the chat box. So by doing working capital management, we are interested only in the part that is outstanding, because outstanding expenses are under the category of current liability, okay, not the paid one. Okay, so half matlab I will consider this 0.5. So 1,08,000 into 2 rupees into 0.5 divided by 12, 9,000. So write here 9,000 and wages ka 1,08,000 into 4 divided by 12, 36,000. So total it. 46 plus 9 plus 1,08,000. Now that 1,53,000. Okay. Working capital nikalo. 1,53,000 minus 9,63,000. It's now 8,10,000. So my working capital is how much? 8,10,000. Okay, very good. Pushmat Stuti. Nice. ज्योति हो गया, यहाँ तक हो गया ना. अब नेक्स्ट इज व्हाट मार्जिन ऑफ सेफ्टी. नाउ ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ओके, व्हाट इज दिस मार्जिन? एनीवन कैन से मार्जिन वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? मार्जिन क्या होता है? मैंने अपना मार्जिन रखा है 10%, मतलब क्या होता है इसका? इफ यू हियर एनीवन टॉकिंग, मैंने तो अपना मार्जिन रखा है 10%, इसका मतलब क्या है? वेरी गुड अनु, या किस्मत, यस, एक्स्ट्रा मनी सेफ फॉर सेफ्टी. ऑब्वियसली अनु इज सेइंग इट्स प्रॉफिट, एब्सोल्युटली करेक्ट. दोनों का मीनिंग एक ही है, मतलब अपने कुछ पैसा साइड में रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है, कि कट टू कट नहीं चढ़ रहे हो. अगर तुमको पता है तुम्हारा टोटल कॉस्ट 10 रुपया है,
तुमने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है 3 रुपया एंड यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट 13 रुपीज. 10 + 3 इज ऑलमोस्ट 13. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट प्रॉफिट. ओके या ओके. सो कितना बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 10%. ठीक है, तो ऐड करूंगी ना मैं, मेरे ये प्राइस मेरे वर्किंग कैपिटल को ऐड हो जाएगा ना. हाँ, क्योंकि मैंने प्रॉफिट रखा है. सो राइट नाउ ऐड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड आई विल गेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड या रिक्वायरमेंट. ठीक है, कितना बोला है? 10% ना. तो ये 10% ऑफ दिस, दिस इज माय बेस, मेरे वर्किंग कैपिटल पे. बराबर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड ऑन वर्किंग कैपिटल. ओके या सो वर्किंग कैपिटल, तो ये कितना आएगा? 110. तो जो मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायरमेंट होगा, दैट विल बी इंक्लूडिंग ऑफ माय प्रॉफिट. क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 8,10,000 इंटू 110 डिवाइड बाय 100. सो माय आंसर इज 8,91. सो राइट हियर 8,91. कैलकुलेट MOS ऑल्सो. 8,91 माइनस 8,10 कितना हुआ? 81,000. सो माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS इज हाउ मच? 81,000. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? एक्नॉलेज इट इन द चैट बॉक्स. ओके फाइन. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.